हाय, वेलकम बैक यू ऑल। आज अपन लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन अराइज कि असाइनमेंट प्रॉब्लम है क्या चीज़। जब हमें किसी पर्सन को किसी जॉब के लिए असाइन करना है, तो वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है, वहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव क्रिएट होते हैं, उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को फाइंड आउट करना है इस असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब यहाँ पर एक केस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, उस केस के बेसिस पे आप लोगों को वो चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने चार कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है। नंबर वन इज बार्ट सिम्पसन, नंबर टू इज मिकी, नंबर थ्री ट्विटी एंड नंबर फोर इज जॉनी ब्रावो। ये चार कैंडिडेट्स को मैंने अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया है, और जो मुझे प्रमोट करना है वो पूरे इंडिया के अंदर प्रमोट करना है। पूरे इंडिया को मैंने चार पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। आप यहाँ पे कलर देख सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड सेफ्रन। ये चार रीजन के अंदर मैंने अपने इंडिया को डिवाइड किया है। फॉर माय बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कि बाद में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसको नॉमिनेट कर दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास में चार कैंडिडेट हैं और चार मेरे पास में रीजंस हैं। अब किस रीजन में मैं किस कैंडिडेट को अपॉइंट करूँ, दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। नाउ व्हाट आई डिसाइडेड, मैंने अपने इन कैंडिडेट से पूछा कि आप किस टेरिटरी में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्हें भी कंफ्यूजन था, और यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि ये चारों के चारों कैंडिडेट डिज्नी से हैं, आउट ऑफ इंडिया से हैं, इंडिया के बारे में इनको नहीं पता। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने बेसिस पे इंफॉर्मेशन गैदर करके एरिया को इन सबको कंसिडर करते हुए कि किस फर्स्ट का एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड, और मिनिमम एरिया इज फोर्थ, तो उसके अकॉर्डिंग दे मेड सम कैलकुलेशन, जिसको अपन कॉस्ट टेबल बोलते हैं, एंड दे प्रोवाइड मी दैट कॉस्ट टेबल। अब वो कॉस्ट टेबल क्या है, जब इन चारों ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, दे आर सेइंग कि यदि बार्ट सिम्पसन को यदि रीजन वन में हम लोग भेजते हैं, तो ही विल चार्ज 60,000 रुपी, एंड फॉर सेकंड के लिए ही चार्ज 40,000 रुपी, फॉर रीजन थर्ड ही चार्ज 60,000 रुपी, फॉर रीजन फोर्थ ही चार्ज 70,000 रुपी। सिमिलरली मिक्की विल चार्ज 20,000 रुपी फॉर रीजन वन, 60,000 रुपी फॉर रीजन टू, 50,000 रुपी फॉर रीजन थ्री एंड 70,000 रुपी फॉर रीजन फोर। सिमिलरली ट्यूटी और ब्रावो, इन सब ने अपना कॉस्ट बता दी हर एक रीजन के लिए। अब नाउ क्वेश्चन अराइज कि किस कार्टून करेक्टर को किस जॉब, किस रीजन के अंदर हम प्रमोशन के लिए भेजें। अब हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हमारा अल्टीमेट एम है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। अब कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो किस पर्सन को अलॉट कहाँ करें, सो दैट हमारी टोटल कॉस्ट विच आई एम वी आर गोइंग टू पे दीज फोर कार्टून करेक्टर्स, कि हम इन चारों को जो पे करेंगे, जो अमाउंट पे करेंगे, दैट टोटल अमाउंट शुड बी मिनिमम। तो हमें वो ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करने हैं, वो हमें ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं। उन ऑप्शंस को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड है, दैट इज नॉन एज हंगेरियन मेथड, और हंगेरियन मेथड के अंदर जो फर्स्ट रिक्विजिट है, दैट इज प्रॉब्लम शुड बी मिनिमाइज, कि हमारा जो केस है, हमारी जो प्रॉब्लम है, वो मिनिमाइज की होनी चाहिए। ऑल दो यहाँ पर जिस केस को हम डील कर रहे हैं, ये केस भी हमारा मिनिमाइज वाला केस है, क्योंकि यहाँ पे हम वी आर गोइंग टू पे, यहाँ पे कॉस्ट मैट्रिक्स हमारे सामने, दैट इज वाई इट इज मिनिमाइजेशन केस। सेकेंड, योर प्रॉब्लम मस्ट बी बैलेंस्ड, कि यहाँ पर मेरे पास में फोर कार्टून करेक्टर्स हैं फॉर प्रमोशन, और मेरे पास में फोर ही रीजन है, और वी कैन से फोर जॉब्स हैं जो मुझे इनको देनी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जॉब और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बोथ आर इन सेम नंबर, लाइक फोर कैंडिडेट्स हैं और फोर ही जॉब है, तो इट इज बैलेंस्ड। सपोज ये होता कि सपोज वी हैव फाइव जॉब्स एंड फोर कैंडिडेट्स, तो ये बैलेंस नहीं होता। यदि आपका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। जो नंबर थर्ड कैटेगरी पे आता है, नंबर थ्री पे जो हमारा स्टेप आता है, दैट इज रो मिनिमा।
अब रो मिनिमा क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच रो। हमें क्या करना है, हर रो की मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू क्या है। आप देखिए यहाँ पे टेबल आपके सामने है, यू कैन इजीली सी कि फर्स्ट रो के अंदर मिनिमम वैल्यू हमारी है 40, सेकेंड रो के अंदर हमारी मिनिमम वैल्यू है 20, थर्ड रो में मिनिमम वैल्यू 20 एंड लास्ट रो के अंदर मिनिमम वैल्यू है 10। तो हम क्या करेंगे, इन मिनिमम वैल्यू को हाईलाइट कर देंगे। जैसे मैंने इस यहाँ पर क्या किया, मिनिमम वैल्यू को रेड कलर से हाईलाइट कर दिया, सो दैट ये मैं इसको ईजिली विजिबल कर पाऊँ कि मिनिमम वैल्यू क्या है। देन ये जो मिनिमम वैल्यू है उसे हमें क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग रो में से माइनस करना है। जैसे लाइक फर्स्ट रो के अंदर मिनिमम वैल्यू है हमारी 40, तो 40 को फर्स्ट रो में से माइनस करना है, तो 60 माइनस 40 तो 20 यहाँ आ जाएगा, 40 माइनस 40 जीरो आ जाएगा, 60 माइनस 40 20 आ जाएगा, 70 माइनस 40 30 आ जाएगा। तो फर्स्ट रो के अंदर जो हमारी वैल्यू आएगी दैट विल बी 20 जीरो 20 30। सिमिलरली सेकेंड रो में से हम क्या करेंगे, 20 को माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इस मैट्रिक्स में शो कर रखा है 60 माइनस 40 इज 20, 40 माइनस 40 इज 0, 60 माइनस 40 20, 70 माइनस 40 इज 30, 20 माइनस 20 इज 0, 60 माइनस 20 सो ऑन। मतलब इस तरह से आपको क्या करना है, रो को मिनिमाइज करना है। इसके बाद में जो आता है ये हमारी, देखिए जो टेबल हमारी बनी, दिस इज वॉट रो मिनिमाइज टेबल। अब हम करेंगे कॉलम मिनिमा। कॉलम मिनिमा के अंदर हम कॉलम वाइज, पहले हमने रो पे काम किया था, अब हम कॉलम को फोकस करेंगे। कॉलम वाइज जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम हाईलाइट करेंगे। जैसे लाइक फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है जीरो, सेकंड कॉलम के अंदर हमारे पास मिनिमम वैल्यू है जीरो, थर्ड कॉलम के अंदर हमारी मिनिमम वैल्यू है 20 और फोर्थ कॉलम में मिनिमम वैल्यू है 30। तो हमें इसको हाईलाइट करना है, दिस इज नॉन एज रो कॉलम मिनिमा। ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, उसको रेड कलर से शो कर दिया। जिस तरह से रो की मिनिमम वैल्यू को हमने कॉरस्पॉन्डिंग रो से में से माइनस किया था, सिमिलरली कॉलम की मिनिमम वैल्यू को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में से माइनस करेंगे। आई रिपीट इट अगेन, कॉलम वाइज जो मिनिमम वैल्यू है उसके उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में से हम लोग माइनस करेंगे। से जैसे लाइक यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर मिनिमम वैल्यू है जीरो, इसका मतलब फर्स्ट कॉलम में से हम जीरो माइनस करेंगे। सेकंड कॉलम के अंदर भी मिनिमम वैल्यू जीरो है, इसका मतलब सेकंड कॉलम के अंदर से भी हम जीरो को माइनस करेंगे। थर्ड कॉलम के अंदर हमारी मिनिमम वैल्यू 20 है, दैट मीन्स हम थर्ड कॉलम में भी मिनिमम वैल्यू जो 20 है उसको माइनस करेंगे। फोर्थ कॉलम में मिनिमम वैल्यू है 30, तो फोर्थ कॉलम में से हम 30 को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद दिस इज नॉन एज कॉलम मिनिमा। लाइक देखो 20 माइनस 0 इज 20, 20 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, 20 माइनस 0 इज 20। तो इस तरह से आप क्या करोगे, माइनस करोगे। माइनस करने के बाद में ये मैट्रिक्स आपके सामने आ जाएगी आफ्टर रो मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा। अब यहाँ क्या करना है, हमें लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा के बाद में हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब लाइन ड्रॉ करने के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर वन है, आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे दैट विल बी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आप या तो लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे या वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, हमें मिनिमम लाइन ड्रॉ करनी है। हमें यहाँ पे जो जितने भी जीरो यहाँ नजर आ रहे हैं आपको, उनको क्या है, कट करना है विद द हेल्प ऑफ मिनिमम लाइन। हमें कम से कम लाइन ड्रॉ करनी है और मैक्सिमम जीरो को कट करना, ये हमारा पर्पज़ है। कि हम क्या चाहते हैं कि जितने भी जीरो हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, हम उनको कट कर दें कम से कम लाइनों से। जैसे लाइक देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है जिससे मैंने तीन जीरो को कट कर दिया। ये सेकेंड लाइन मैंने ड्रॉ की, तीन जीरो कट किए हैं। फिर थर्ड मैंने लाइन ड्रॉ की, ये मैंने वर्टिकल ड्रॉ की है, दो जीरो को कट कर दिए। अब मेरे पास एक जीरो बचा हुआ है। अब चाहे आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें चाहे वर्टिकल ड्रॉ करें, ये देखिए मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद में एक भी जीरो आपका नहीं बचना चाहिए, सारे जीरो आपके कट हो जाने चाहिए, लेकिन लाइन कम से कम ड्रॉ करनी है। रिमेंबर दिस थिंग, लाइन आपको कम से कम ड्रॉ करनी है। नाउ लाइन ड्रॉ करने के बाद
आप क्या करेंगे, लाइन को काउंट करेंगे। हमने यहां पर कितनी लाइन ड्रॉ की, फोर लाइन हमने यहां ड्रॉ की हैं, और हमारे नंबर ऑफ रो और कॉलम कितने हैं, फोर। रो और कॉलम भी हमारे फोर हैं और लाइन भी फोर है, इसका मतलब नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। ये रूल है कि आपकी नंबर ऑफ लाइन नंबर ऑफ रो और कॉलम के बराबर होनी चाहिए। यदि है तो ये जो आपका जो अब सॉल्यूशन निकलेगा ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, आप फाइनल आंसर तक आ चुके हैं। और यदि उसके इक्वल लाइन यदि ड्रॉ नहीं होती, कम लाइन ड्रॉ होती है कि आपने तीन लाइन से ही सारे जीरो को कट कर लिया, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है, हमें उसको फर्दर आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस वाले केस में हमारे पास में चार लाइनें आ चुकी हैं और हमारी रिक्वायरमेंट भी फोर लाइन थी, बिकॉज ऑफ रो और कॉलम भी फोर ही हैं। तो हम अलॉट कैसे करेंगे, अलॉट करने का तरीका यह है कि हम क्या करेंगे, जहाँ जीरो लिखा हुआ है जीरो को हम ऑप्शन कंसिडर करके चलते हैं, कि जीरो मीन्स ऑप्शन, कि यहाँ पर बार्ट जो नंबर वन पे है उसके पास में तीन ऑप्शन है, ही कैन गो फॉर सेकेंड ऑप्शन, थर्ड रीजन एंड एज वेल एज फोर्थ रीजन। लेकिन मिक्की के पास में यहाँ पर केवल फर्स्ट रीजन है, केवल एक ही रीजन है, ये दूसरा रीजन नहीं जा सकता, क्योंकि जीरो का मतलब है मिनिमम कॉस्ट, कि मिक्की के पास में मिनिमम कॉस्ट का एक ही रीजन है, बाकी जगह उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मिक्की को फर्स्ट रीजन अलॉट कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया, दैट मीन्स मिक्की को मैंने फर्स्ट रीजन अलॉट कर दिया। अब यहाँ पर मिक्की को मैंने फर्स्ट रीजन अलॉट कर दिया तो ट्यूटी के पास में भी फर्स्ट रीजन के लिए जीरो बना हुआ है यहाँ पर, मतलब ट्यूटी को भी फर्स्ट रीजन मिल सकता है। लेकिन जब फर्स्ट रीजन ऑलरेडी मिक्की को आप अलॉट कर चुके हैं, दैट मीन्स फर्स्ट रीजन ट्यूटी को अलॉट नहीं होगा, तो मैंने उसको यहाँ क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब देखिए ट्यूटी के पास में यहाँ पर दो ऑप्शन थे, दो में से एक ऑप्शन कैंसिल हो गया, अब ट्यूटी के पास केवल एक ऑप्शन बचा है। इसका मतलब ट्यूटी को वो हमें थर्ड टेरिटरी देने पड़ेगी, थर्ड रीजन देना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, थर्ड रीजन किसको अलॉट कर दिया, ट्यूटी को अलॉट कर दिया। जब ट्यूटी को आपने थर्ड अलॉट कर दिया, इसका मतलब जो थर्ड रीजन है ये रीजन आपको बार्ट सिम्पसन को, सिमिलरली जॉनी ब्रावो को अलॉट नहीं होगा, तो हमें इनको भी क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। ये देखिए थर्ड जो मेरा रीजन है ये मैंने बार्ट सिम्पसन और जॉनी ब्रावो दोनों के लिए मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। नाउ अब जॉनी ब्रावो के पास में भी दो रीजन बचे हुए हैं, आइदर रीजन टू और रीजन फोर। सिमिलरली बार्ट सिम्पसन के पास भी दो रीजन है, आइदर सेकेंड और फोर्थ। और यदि हम रीजन को एनालाइज करें तो रीजन टू के पास पे भी दो ऑप्शन हैं, आइदर ब्रावो और बार्ट। सिमिलरली फोर्थ के पास भी दो ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है, यदि कहीं पे सिंगल होता तो हम अलॉट कर देते, यहाँ पर डबल है, जीरो हमें मोर देन वन मिल रहे हैं, तो ये हमारा ऑल्टरनेटिव वाला केस हो गया। अब ऑल्टरनेटिव में क्या करेंगे, हमें किसी को यहाँ पर अलॉट करना पड़ेगा, अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि मैं बार्ट को फोर्थ रीजन दे रहा हूँ, यदि मैंने बार्ट को फोर्थ रीजन दिया तो बार्ट को सेकेंड रीजन नहीं मिलेगा, सिमिलरली फोर्थ रीजन ब्रावो को नहीं मिलेगा, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। तो अल्टीमेटली ब्रावो के पास एक ही रीजन बचा, दैट इज सेकेंड। तो सेकेंड रीजन मैंने ब्रावो को यहाँ अलॉट कर दिया। तो इस बेसिस पे क्या हुआ, बार्ट को फोर्थ रीजन मिला, मिक्की को फर्स्ट रीजन मिला, ट्वीटी को थर्ड रीजन मिला और जॉनी ब्रावो को सेकेंड रीजन यहाँ पे हमने अलॉट कर दिया। यदि मान लीजिए मैं बार्ट को फोर्थ रीजन देने के बजाय सेकेंड रीजन दे देता तो क्या होता, लेट्स सी। यहां पर मैंने क्या किया, ब्रावो बार्ट को सेकेंड अलॉट कर दिया। देखिए ब्रावो को मैंने बार्ट को मैंने सेकेंड अलॉट कर दिया। जब बार्ट को मैंने सेकेंड अलॉट किया तो बार्ट को फोर्थ नहीं मिलेगा और सेकेंड जो है वो ब्रावो को नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली ब्रावो के पास में एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज फोर्थ रीजन। तो मैंने ब्रावो को फोर्थ रीजन यहाँ पे अलॉट कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास में दो ऑल्टरनेटिव निकल के आ गए। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में क्या था कि बार्ट को मैंने फोर्थ टेरिटरी दिया, मिक्की को फर्स्ट दिया, ट्यूटी को थर्ड दिया और
जॉनी ब्रावो को मैंने सेकंड दिया, और सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने बार्ट को इंसिस्ट ऑफ फोर्थ मैंने सेकंड ऑप्शन दिया है। मिक्की के पास सेम है फर्स्ट ऑप्शन, ट्यूटी के पास भी सेम है दैट इज थर्ड ऑप्शन, और यहाँ पे ब्रावो जॉनी ब्रावो को मैंने दे दिया फिर फोर्थ। ये देने के बाद में मैंने क्या किया, ये यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर ली जिसके बेसिस में मैं इजीली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि मेरे पास में दो अल्टरनेटिव हैं, अल्टरनेटिव वन एंड अल्टरनेटिव टू। यहाँ पे बार्ट को मैंने फोर्थ, मिक्की को फर्स्ट, ट्यूटी को थर्ड और जॉनी ब्रावो को सेकंड ऑप्शन दिया है। अल्टरनेट सेकंड के अकॉर्डिंग मैंने बार्ट को सेकंड, मिक्की फर्स्ट, ट्यूटी थर्ड एंड जॉनी ब्रावो फोर्थ। और फर्स्ट जो मेरी कॉस्ट मैट्रिक्स थी जहाँ पर इन्होंने अपनी डिमांडेड जो एक्सपेक्टेशंस कॉस्ट या सैलरी जो मेंशन कर रखी थी वहाँ से मैंने वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर मेंशन कर दी कि यदि मैं बार्ट को फोर्थ रीज़न देता हूँ तो आई हैव टू पे 70,000 रुपी, मिक्की को फर्स्ट देता हूँ तो आई हैव टू पे ओनली 20,000 रुपी, ट्यूटी को थर्ड देता हूँ आई हैव टू पे 40,000 रुपी, और जॉनी ब्रावो को मैं यदि सेकेंड अलॉट करता हूँ आई हैव टू पे 10,000 रुपी, तो माई टोटल कॉस्ट इज 1,40,000 रुपी। सिमिलरली यदि सेकेंड ऑप्शन ऑल्टरनेटिव की मैं बात करता हूँ तो माई टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो सेम दैट इज 1,40,000 रुपी। तो दिस इज वॉट ऑल्टरनेटिव रिजल्ट कि मेरे पास में यहाँ पर दो ऑल्टरनेटिव आउटकम्स आ गए हैं जिनकी दोनों की कॉस्ट सेम है, तो इट्स माई विश कि मैं कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करूँ क्योंकि दोनों ऑल्टरनेटिव में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की कॉस्ट क्या है सेम है। तो ऑल कार्टून कैरेक्टर आर सेइंग ये वी ऑल गॉट जॉब थैंक्स डॉक्टर अवस्थी, थैंक यू वेरी मच।